साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। फिल्म अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज पिछले लंबे समय से मुश्किलों में है। पहले ठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर के साथ रिश्तों के चलते मुश्किल में आई और फिर सुकेश के गिफ्ट को लेकर ईडी ने पूछताछ की और यहां तक की गिरफ्तारी तक की तैयारी हो चुकी थी। मुंबई एयरपोर्ट पर जैकलीन को विदेश जाने तक से रोक दिया गया। और अब इधर बुरी खबर के बाद पूरा परिवार सदमे में आ गया है क्योंकि इस बार सीधे हार्ट अटैक आ गया, अस्पताल पहुंचा दिया गया। हालात बेहद खराब बताए जा रहे हैं, बहरीन में इलाज चल रहा है और जैकलीन इतनी ज्यादा मजबूर हो गई है कि चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रही है, कुछ कर नहीं सकती है। तो क्या है पूरा अपडेट, कैसे लंका से लेकर मुंबई और बहरीन तक मच गया हाहाकार, सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो जैकलीन फर्नांडीज की खबर ने चारों तरफ हाहाकार मचा दिया और इस बार तो पूरा परिवार सदमे में आ गया है क्योंकि हालात बेहद खराब है। अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग चल रही है, मामला हार्ट अटैक तक जा पहुंचा है। जी हां, ऐसा ही कुछ हुआ है। जैकलीन फर्नांडीज को लेकर उनका पूरा परिवार पिछले 2 महीने से परेशान था और लगातार जैकलीन से उनकी माँ कहती रही थी कि वो बहरीन आकर रहे, लेकिन जैकलीन ऐसा कर नहीं पा रही थी। जैकलीन की माँ किम और उनके पिता इन दिनों बहरीन में ही रह रहे हैं और वो जैकलीन से भी बहरीन आकर रहने को कह रहे थे, मगर हालात इतने खराब थे, इतने बुरे थे कि लुकआउट नोटिस के बाद जैकलीन फर्नांडीज भारत छोड़ ही नहीं सकती थी। अब इसी बीच बहरीन से ही बड़ी खबर आ गई। बहरीन में जैकलीन फर्नांडीज की मां किम को हार्ट अटैक आ गया। जी हां, अचानक से जैकलीन की मां किम फर्नांडीज को हार्ट अटैक आ गया और तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जैकलीन की मां किम की हालत बेहद खराब बताई जा रही है, इलाज जारी है और लगातार डॉक्टर्स के ऑब्जर्वेशन में उन्हें रखा गया है। जैकलीन की माँ जिंदगी और मौत से जूझ रही है और बार बार जैकलीन फर्नांडीज को ही याद कर रही है, लेकिन जैकलीन मजबूर है, भारत से बाहर जा ही नहीं सकती, मुंबई छोड़ ही नहीं सकती क्योंकि जैकलीन फर्नांडीज के भारत से बाहर जाने पर पूरी तरह से रोक है। ईडी ने लुकआउट नोटिस जारी किया है और हालत ये है कि अगर वो देश से बाहर जा नहीं सकती और वहां बहरीन में बार बार जैकलीन की माँ उन्हें ही याद कर रही है। जैकलीन ने अपने कुछ दोस्तों को बहरीन भेजा है जो कि अस्पताल में भर्ती माँ का ध्यान रख रहे हैं और जैकलीन के पिता भी वहीं पर मौजूद हैं, लेकिन लगातार बिगड़ते हालात के बीच पूरे परिवार की स्थिति लगातार बिगड़ चुकी है। जैकलीन का यहाँ मुंबई में रो रो कर बुरा हाल है, जैकी के आंसू थम नहीं रहे। खबरों की माने तो पिछले करीब 2 महीने से जैकलीन की माँ बेहद ज्यादा टेंशन में थी क्योंकि सुकेश के साथ रिश्तों के चलते पहले जैकलीन फर्नांडीज मुश्किल में आई और साथ ही साथ ये भी खबरें आई थी कि जैकलीन की माँ किम को भी सुकेश ने करोड़ों रुपए दिए थे और करोड़ों के गिफ्ट भी दिए थे, जिससे जैकलीन फर्नांडीज की माँ खासी डरी हुई थी और लगातार इस डर को लेकर जैकलीन से बात करती रही थी और इसीलिए बहरीन से श्रीलंका भी नहीं आई। और खबर है कि इसी डर के चलते, इसी टेंशन के चलते, इसी एंजाइटी के चलते जैकलीन फर्नांडीज की माँ को हार्ट अटैक आ गया और अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। अब जैकलीन के चाचा और अन्य लोग श्रीलंका में हैं और जैकलीन मुंबई में और उसके माता पिता बहरीन में, तो हर तरफ यानी कि 3 तरफ से हाहाकार मचा हुआ है, 3 तरफ से मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। जैकलीन ने ईडी से लुकआउट नोटिस हटाने की मांग की है ताकि वो बहरीन जा सके, अपनी माँ से मिल सके, लेकिन अब तक ईडी ने इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है। माना जा रहा है कि ईडी की तरफ से फिलहाल जैकलीन को कोई भी छूट, कोई भी राहत मिलने वाली नहीं है और फिलहाल जैकलीन फर्नांडीज को बहरीन जाने की इजाजत भी नहीं मिल सकती है क्योंकि ईडी को लगता है कि एक बार जैकलीन देश से बाहर गई तो फिर वो वापस नहीं आएगी और इसीलिए जैकलीन फर्नांडीज इतनी मुश्किलों के बाद भी अपनी माँ से मिलने बहरीन नहीं जा पा रही है और यही दर्द जैकलीन फर्नांडीज को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। तो कुल मिलाकर हालात वाकई जैकलीन फर्नांडीज के लिए बेहद बुरे हो चुके हैं, बुरे सपने की तरह हो चुके हैं। सुकेश चंद्रशेखर के उनकी जिंदगी में आने के बाद हालात बिगड़े 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 और बिगड़ते ही चले गए और आगे भी सुधरते हुए दिख नहीं रहे। तो आपका इस पूरे अपडेट पर क्या कहना है, जैकलीन फर्नांडीज के इस पूरे केस को लेकर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो इंदौर में फिल्म लुका छिपी 2 की शूटिंग हो रही थी और इसके एक सीक्वेंस में सारा अली खान को लेकर विक्की कौशल बाइक की सवारी करते हैं। अब जिस बाइक पर विक्की सवार थे, जिसे शूट किया जा रहा था, उस स्प्लेंडर बाइक के नंबर को लेकर विवाद हो गया था। कहा गया कि बाइक का नंबर फर्जी है और गलत तरीके से इसे बाइक पर प्लांट किया गया।
और बताया गया कि ये नंबर एक एक्टिवा के स्कूटर का है और स्कूटर के मालिक भी सामने आए और अपनी आपत्ति जता दी, केस फाइल कर दिया, जेल भेजने की मांग तक कर दी। आनन फानन में इंदौर पुलिस भी एक्टिव हो गई और जांच शुरू हो गई। अब जांच में जो खुलासा हुआ है वो हैरान करने वाला है। हालांकि जांच पर भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि जांच के बाद सलमान खान की भी एंट्री इसमें कराई जा रही है। तो जांच में क्या निकला वो आपको पहले बताते हैं और उसके बाद बताएंगे पूरा सच क्या है। तो इंदौर पुलिस का दावा है कि बाइक और स्कूटर का नंबर एक नहीं है बल्कि अलग अलग है। जी हाँ, यानी कि कोई गड़बड़ी हुई नहीं थी बल्कि नजर का धोखा हो गया था, यही बड़ी खबर है। इंदौर पुलिस के मुताबिक स्कूटर का नंबर MP09UL4872 था लेकिन बाइक का नंबर ये नहीं था बल्कि बाइक का नंबर था MP09UL1872। जी हाँ, 1 और 4 के फेर में विकी कौशल और सारा अली खान फंस गए थे। इंदौर पुलिस का दावा है कि एक के नीचे एक नट बोल्ट लगा हुआ था जिससे एक नंबर की डिजिट 4 की तरह दिख रही थी और सोशल मीडिया पर जब पिक वायरल हुई, जब फोटो वायरल हुई तो उसके असली मालिक ने भी सवाल उठा दिए क्योंकि नंबर 1872 था और वो बिल्कुल हूबहू 4872 की तरह लग रहा था, ऐसा इंदौर पुलिस का कहना है। इंदौर पुलिस का ये भी कहना है कि यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं हुआ, हमने शूटिंग स्थल पर जाकर पूरा नंबर चेक किया, बाइक के आगे और पीछे दोनों के नंबर एक जैसे हैं, यानी कि 1872 नंबर बाइक का था और 4872 नंबर स्कूटर का और इसीलिए यहाँ पर कोई केस बनता नहीं है, मामला खारिज हो जाता है। अब सोशल मीडिया पर इसे लेकर बवाल हो रहा है। सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगा है कि क्या रातों रात फिर से नंबर बदल दिया गया, क्योंकि साफ साफ देखा जा सकता था कि पहले वाला नंबर 4872 ही था। सोशल मीडिया यूजर्स का आरोप है कि नंबर को बाद में बदला गया और उसे 1872 बनाया गया जिससे कि सारा अली खान विकी कौशल को जेल जाने से बचाया जा सके, केस कैसे बचाया जा सके, और इसमें मुंबई के किसी बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटी का दखल भी बताया जा रहा है। इंदौर से सलमान खान का पुराना कनेक्शन है और कुछ लोगों ने यहां तक कहना शुरू कर दिया है कि सलमान खान इस मामले में जरूर इन्वॉल्व हुए होंगे और इसी वजह से अचानक सब कुछ बदल दिया गया और अचानक सब कुछ ठीक कर दिया गया ताकि विकी कौशल सारा अली खान को बचाया जा सके, उन्हें बाहर निकाला जा सके इस केस से। अब जो भी हो लेकिन पूरा मामला खुलासा होना बाकी है, पूरा सच सामने आना बाकी है। लेकिन अगर ऐसे में ये नई गड़बड़ी का मामला साबित होता है, नंबर प्लेट को फिर से बदलने का मामला साबित होता है तो सब कुछ तारा और विक्की को बचाने के लिए होगा और विक्की कौशल सारा अली खान के साथ ही फिल्म के क्रू ने अगर गलत किया है तो फिर तो डबल केस होगा, डबल मुश्किल के साथ इनका और ज्यादा फंसना तय है, बड़े केस में जाना तय है। तो आपका क्या मानना है, क्या इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी सजा नहीं होना गलत है या फिर वाकई में गलती से नंबर की गफलत हो गई, सारा और विकी कौशल बिल्कुल ठीक थे या नहीं थे? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।